मैंने देखा यार लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन ब्लूटूथों के पीछे जो कि 30-35 रियाल के आपको मिलते हैं। अगर इन्हीं प्राइस के अंदर थोड़े से ज़्यादा पैसे डालोगे तो आपको अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ मिल जाएगा, जिससे आपको बैटरी पैकअप भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। ये मैं पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने एक दोस्त को रिकमेंड किया था कि भाई हवाई फ्री बड्स 2 मंगा ले, SE2 95 रियाल में आपको मिल जाएंगे noon.com से, और कम में भी मिल सकते हैं अप्लाई कोड करने पर, ठीक है। और इसकी जो बैटरी पैकअप है वो 40 घंटे तक आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत पानी वानी जाने पे भी ये ख़राब नहीं होगा। और इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है 5.3 की है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। मैं इसको बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको एक्यूरेट बता रहा हूँ। बॉक्स के अंदर हमको यहाँ पे ब्लूटूथ मिल जाएगा, और उसके साथ में आपको एक वारंटी कार्ड और एक टाइप सी का चार्जर भी देखने को मिल जाएगा। अभी ये ब्लूटूथ दो कलर में आता है, ब्लैक और वाइट कलर में। मैंने इसको वाइट कलर में मंगाया हुआ है, और इसको कनेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके अंदर कोई बटन है नहीं। वो भी इस वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये है ब्लूटूथ। सामने एक LED लाइट है और एक टाइप सी का पोर्ट है, और पूरे ब्लूटूथ में कहीं भी बटन नहीं है। अब इसके अंदर बटन तो है नहीं, तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं अगर कोई और मोबाइल के साथ कनेक्ट करना हो। इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं, आपको दोनों ब्लूटूथ के बैक साइड पे ऐसा टैप करना है 3 सेकंड के लिए, और यहाँ पे आपके सामने LED ब्लिंकिंग होना चालू हो जाएगी ब्लूटूथ की। तो इसका मतलब ब्लूटूथ पेयरिंग मोड पर है, तो आप इसको कोई भी डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग जॉय रूम के बेकार लिनोवो के ब्लूटूथ के साथ मत जाए, थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट करें ब्लूटूथ में, क्योंकि हमको लॉन्ग टाइम के लिए चलाना पड़ता है ब्लूटूथ। तो 94 या 95 रियाल का आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसको बहुत टाइम यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी सब आपकी मर्ज़ी, लेना है ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।